Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी गई और अब सनातन संस्कृति के लोग खुद ही शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरों को भी यही गलत जानकारी देने लगे हैं। परंतु सही तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह प्रतीक होता है, जबकि जनेन्द्री को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जनेन्द्री समझकर आलोचना करते हैं तो वे बताएं कि स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार। परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों यवनों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने पर तथा बाद के मुगलों और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हिंदी में एक शब्द सूत्र को ही लें तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब आशय, अभिप्राय भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। विज्ञान का भी यही सिद्धांत है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बन शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि शब्द का संस्कृत में अर्थ है प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि हैं। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होती है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह है
कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीपशिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों ने गंदे दिमागों में इसे गुप्तांग की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली और इसके पीछे की रहस्य की जानकारी ना होने के कारण भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित किया। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित है, जो कि हमारे पूर्वजों संतों ऋषि मुनियों तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है व उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। यह जानकारी आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुँचाई गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.